भूत प्रेतों के नाम सुनते ही हमें कुछ इस तरह के फिक्शनल फिल्म सीन्स का याद आता है, लेकिन वास्तविकता में अगर भूत प्रेत होते भी हैं, तो वे ऐसे नहीं होते। इसीलिए इनसे डरो मत, बल्कि साइंटिफिकली इस चीज को समझो। मैंने कई रिसर्च थीसिस और कई वीडियोस को देखा है और इन सब चीजों का कंपाइलेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए ये वीडियो सबसे हटके होने वाला है। एंजॉय द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले ये भूल जाओ कि आप यकीन करने वालों में से हो या फिर नहीं करने वालों में से हो, और खुले दिमाग से सोचना। सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान यानी साइंस का इस विषय पे क्या राय है। तो साइंस ये कहता है कि आत्मा या स्पिरिट जैसा कोई भी चीज नहीं होता, ये सब हमारे मन का बहम होता है। और डर के वजह से एक इंसान को लगता है कि उसने भूत देख लिया, यानी वो हेलुसिनेट करता है। सेकेंड पॉइंट है, अगर स्पिरिट्स कोई चीज को हिला सकते हैं तो इसका मतलब है कि वे मैटर है, और अगर वे मैटर है तो हमें दिखते क्यों नहीं है। और थर्ड पॉइंट है कि जब एक ऑर्गेनिज्म या इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी में जो एनर्जी होता है वो आसपास की चीजों में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो भूत या स्पिरिट कहाँ से आएगा, क्योंकि कोई एनर्जी तो बचा ही नहीं। फोर्थ पॉइंट में विज्ञान कहता है कि अगर ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उन्हें अभी तक खोजा क्यों नहीं गया, या फिर उन्हें हम मेजर क्यों नहीं कर सकते। वेल, इन सब बातों में दम है तो सही, लेकिन दोस्त जरा रुको, चलो देखते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या फिर घोस्ट हंटर्स के इस विषय पर क्या कहना है। सो बेसिकली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि स्पिरिट्स का अस्तित्व होता है, और वो लोग इन सब बातों को ऐसे ही नहीं करते। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी स्पिरिट्स को एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब एक इंसान मर जाता है या फिर उसका फिजिकल डेथ होता है, तब उसका फिजिकल एनर्जी उसके आसपास के सराउंडिंग्स जैसे कि मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस समहाउ उस फिजिकल डेथ को सरवाइव कर जाता है। आपके इमोशंस यानी सुख दुख एफेक्शन और आप इस संसार में एक चीज हो, इसी फीलिंग को कहते हैं कॉन्शियसनेस। और यही कॉन्शियसनेस या इमोशन फिजिकल डेथ के होने के बाद भी रह जाता है, मतलब इसी कॉन्शियसनेस को हम जानते हैं आत्मा स्पिरिट या ऑरा के नाम से। आपका दिमाग जब अपने आसपास की चीजों को देखता है या सुनता है, तब वो आपको कॉन्शियस स्टेट में रखता है। लेकिन अब इमेजिन करो, आप एक ऐसे इंसान हो जो देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, तो फिर क्या आपके अंदर इमोशंस फीलिंग्स ये सब चीज नहीं होगा? होगा ना, भले ही अगर आप देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तब भी आप जिंदा हो। और इसी फीलिंग को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जो कि ब्रेन से नहीं बल्कि माइंड से आता है। जी हाँ, ब्रेन और माइंड दोनों अलग चीज है, और इसे साइंस भी मानता है, लेकिन बेचारा इन दोनों को लेकर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि माइंड लंग्स हार्ट या फिर ब्रेन जैसा कोई भी ऑर्गेन नहीं है। माइंड है हमारा कॉन्शियसनेस या आत्मा। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं जब कोई इंसान मर जाता है तो फिर उसका कॉन्शियसनेस EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। स्पिरिट्स में एक प्रॉपर्टी होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। अगर आपका एनर्जी उनसे लो है, मतलब मान लो आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हो रात के करीब 1 बजे और आप डर रहे हो, यानी आपका एनर्जी लेवल लो हो रहा है, तो फिर स्पिरिट्स आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपको हेलुसिनेशन शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है, आपको कोई उन दूर के जंगलों से देख रहा है, एक्सेट्रा। शायद आपके दिमाग में सवाल आएगा, जो कि आना ही चाहिए, कि कुछ भी स्पिरिट्स कैसे आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखो, सिर्फ स्पिरिट्स ही नहीं बल्कि मैं और आप भी एक दूसरे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपके साथ आपका एक दोस्त है जो डिप्रेस्ड है, तो उसके साथ जब आप टाइम स्पेंड करोगे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। सो स्पिरिट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपने एनर्जी को बढ़ा सके और अपने अस्तित्व को बना के रख सके। और स्पिरिट सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि हर एक एनर्जी के सोर्स से एनर्जी ले सकते हैं, चाहे वो बैटरीज हो या फिर कोई और जीव। स्पिरिट्स रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि रात के वक्त दिन के मुकाबले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस बेहद कम होता है, और शायद यही कारण होगा जिसके चलते स्पिरिट्स ज्यादातर वीरान जगहों में रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस से दूर। वेल, अब ज्यादातर साइंस थीसिस को हमने साइंस से ही डिफेंड कर दिया है। अब जो बचता है वो है स्पिरिट्स अगर मैटर नहीं है तो वो कोई चीज को कैसे हिला सकते हैं। सो देखो, स्पिरिट्स कोई चीज को हिला सकते हैं टेलीकाइनेसिस या फिर ESP का यूज करके, क्योंकि उनके एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और वे रेडिएशन के हेल्प से अपने एनर्जी को ट्रांसमिट करके कोई भी चीज को हिला सकते हैं। लेकिन YouTube में
जो चीजों के हिलने का फुटेज दिखाया जाता है उनमें से ज्यादातर फेक होता है, प्री प्लान्ड होता है। स्पिरिट जनरली उन लोगों का कॉन्शियसनेस होता है जो इस डायमेंशन में रह जाते हैं इमोशन या फिर एफेक्शन के चलते। फिजिक्स भी मानता है कि इस यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस मौजूद हैं। मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ ह्यूमंस का ही नहीं। लॉजिकली अगर स्पिरिट्स या कॉन्शियसनेस सच में होते हैं तो सिर्फ ह्यूमन स्पिरिट ही नहीं बल्कि इनह्यूमन स्पिरिट्स यानी एनिमल स्पिरिट्स भी होते हैं। यार सुनो, कभी भी इनसे डरो मत, बिकॉज दे आर हार्मलेस यानी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगली बार अगर आपको लगे कि आपको पीछे से कोई देख रहा है तो पीछे मुड़के जरूर देखना, डर आराम से चू हो जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो कि हमें हर एक पार्टिकल के राज को जानने में मदद करता है, उसे भी घोष पार्टिकल जैसा कोई चीज नहीं मिला। यानी सिंपली फिजिक्स स्पिरिट जैसे चीजों को नहीं मानता, लेकिन स्पिरिट एक्सपीरियंसेस का 100 बिलियन से भी ज्यादा केसेस मौजूद है और हर 10 में से 4 लोग स्पिरिट्स पे यकीन रखते हैं। मैं पर्सनली स्पिरिट्स में यकीन रखता हूँ क्योंकि जो चीज आज डिस्कवर नहीं हुआ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कल भी नहीं होगा।